Let's do question number 22 of exercise 13a, that is trigonometric identities. Question number 22 is cos cube theta plus sine cube theta whole upon cos theta plus sine theta plus cos cube theta minus sine cube theta whole upon cos theta minus sin theta equals to 2 prove करना है. तो कैसे करेंगे friends? Left hand side ले लेते हैं. Left hand side में दे रखा है cos cube theta plus sin cube theta whole upon cos theta plus sin theta plus cos cube theta minus sin cube theta whole upon cos theta minus sin theta, right? अब हमें देखिए a cube plus b cube का formula दिख रहा है. तो a cube plus b cube का formula क्या होता था? a plus b as it is और plus के केस में minus का a b हो जाता था. a square plus b square minus a b, right? और a cube minus b cube का क्या formula होता था? वो होता था a minus b. यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हुआ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट? ये होता था फॉर्मूला. अब यहाँ देखें तो कॉस थीटा हमारा ए है प्लस के केस में और साइन थीटा बी है दोनों के केस में, राइट? तो हमने ए को माना कॉस थीटा और बी को माना हमने साइन थीटा, राइट? तो हमने ए प्लस बी का होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी. That is cos theta plus sin theta. Next is a square plus b square. That means cos theta ka whole square plus sin theta ka whole square minus ab. Cos theta into sin theta. Right? Ye ho gaya hamara iska whole upon cos theta plus साइन थीटा, राइट? अब प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रही हूं तो यह है ए माइनस बी, दैट मींस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बिगर ब्रैकेट यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी, दैट मींस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, राइट? ये बिगर ब्रैकेट क्लोज्ड. और नीचे क्या आ गया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट? अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. इसी तरीके से ये और ये कैंसिल हो गया. अब क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट? ये एक ब्रैकेट में आ गया और प्लस के बाद दूसरे ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट? अब हमें एक आइडेंटिटी पता थी, कौन सी थी वो? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. हाँ, को हम क्या लिख सकते थे? क्या लिख सकते थे? वन लिख सकते थे, इक्वल्स टू वन. तो अब यहाँ क्या लिख दिया? वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वन माइनस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ गया वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा. तो एक कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, एक प्लस का है तो कैंसिल हो गए. तो क्या बच गया? 1 प्लस 1, दैट इज 2. यही प्रूव करना था. तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.